यानी नमाजी तो कम होंगे लेकिन मस्जिदें सजाई बहुत जाएंगी। हज़रत अनस बिन मालिक की रिवायत है, मुसनद अहमद ने इसको रिवायत किया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत कायम नहीं होगी यहाँ तक कि लोग मस्जिदों में फ़ख्र मुबाहात करेंगे, यानी मस्जिद के बनाने में, उसके सजाने में, उसकी आराइश में एक दूसरे का मुकाबला करने लगेंगे। एक और हदीस में आता है कि क़यामत की अलामत में से है कि लोग मस्जिदों को सजाया करेंगे, यानी अल्लाह ताला को नमाज पढ़ के खुश करने की बजाय मस्जिद बना के सजा के खुश करने की कोशिश होगी। हज़रत अबू दरदा से रिवायत है कि जब तुम लोग मस्जिदों को सजाने लगो, कुरान को मुजय्यन करने लगो, तो तुम्हारी बर्बादी है, क्योंकि कुरान पाक पढ़ने के लिए आए, महज सजाने के लिए नहीं। आज आप देखें कि बसा औकात हम उसे पढ़ते कम हैं, समझते कम हैं, उसके मुताबिक ज़िंदगी नहीं बसर करते, लेकिन खूबसूरत अंदाज में, सुनहरी अल्फाज में लिखवा कर घरों में सजा देते हैं। तो कुरान पाक सजाने के लिए नहीं आया, वो तो हुदल लिन्नास है, सारी इंसानियत की हिदायत के लिए आया है, लेकिन हमने उसका बस इतना ही फ़ायदा उठाया कि उसे खूबसूरत अंदाज में लिख के ताकों में सजा दिया। इसी तरह एक और निशानी कि इंसान हलाल हराम की परवाह नहीं करेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी की रिवायत है, लोगों पे ऐसा वक्त ज़रूर आने वाला है कि आदमी इस बात की बिल्कुल फिक्र नहीं करेगा कि जो माल उसने हासिल किया है वो हलाल है या हराम है, यानी किस जरिए से हासिल किया है। एक और हदीस में आता है कि क़यामत से पहले सूद फैल जाएगा। एक और रिवायत में आता है कि हर शख्स तक उसका कुछ ना कुछ गुबार पहुंचेगा, यानी कुछ लोग तो बराह रास्त उसमें इन्वॉल्व होंगे और कुछ लोग इनडायरेक्टली उससे मुतासर होंगे। इसी तरह क़यामत की निशानियों में से एक और निशानी दीगर उम्मतों की मुशाबहत और तकलीद होगी। हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपनी साबिका उम्मतों की एक एक बालिश्त और एक एक गज में इत्तबा करोगे, यानी छोटे से छोटे मामले में और बड़े से बड़े मामले में उनकी पैरवी करोगे, हत्ता कि अगर वो किसी सांडे के सुराख में दाखिल हुए होंगे, यानी गोह के सुराख में, तो तुम भी उनकी पैरवी करोगे, उस सुराख में भी घुसोगे। हमने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपकी मुराद यहूद व नसारा हैं? फरमाया, फिर और कौन? और आज हम मुसलमान देख सकते हैं कि हम किसकी पैरवी कर रहे हैं। किताब अल्लाह और सुन्नत रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की या किसी और की? क़यामत की निशानियों में से एक निशानी, जलजले बकसरत आएंगे। हज़रत उम्मे सलेमा से रिवायत है, मुस्लिम अहमद में ये रिवायत आती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत से पहले मौत की सख्त वबा फैलेगी, फिर जलजलों वाले साल आएंगे। एक और रिवायत में आता है, क़यामत की निशानियों में से है कि नागहानी मौत कसरत के साथ होगी, यानी अचानक डेथ, यकायक बैठे बैठे फौत हो गए। इमाम बुखारी ने इस हदीस पर कुछ शेर भी लिखे हैं जिनका तर्जुमा है, फारिग वक्त को गनीमत समझकर कुछ रुकू कर लो, मेरी फारिग बैठने से बेहतर है कुछ नवाफिल पढ़ लो, करीब है कि तेरी मौत अचानक वाकई हो। तुम कितने ही सेहतमंद लोगों को देखते हो जिनकी सेहतमंद जाने अचानक फौत हो जाती हैं, यानी ख़त्म हो जाती हैं। हाफिज़ इब्ने हजर अस्कलानी, जिन्होंने बुखारी की शरह लिखी है फतहुल बारी, वो कहते हैं ये अजीब इत्तेफाक है कि इमाम बुखारी खुद भी इसी तरह अचानक फौत हुए थे, यानी अचानक मौत जो है वो किसी पर भी आ सकती है, कोई नेक हो या बद हो। हम ये नहीं कह सकते कि हम बहुत नेक हैं या हम बड़े अच्छे काम करते हैं तो हमारे साथ ये मामला नहीं हो सकता, ये किसी के साथ भी हो सकता है। इसलिए जो वक्त आज हमें हासिल है, जो लम्हात आज हमें मिले हैं, उनको गनीमत समझें और नेकी के काम में पीछे न रहें।